जय बाबा बर्फानी जी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबू जी हेलो, जय बोले। हाँ जी जय बोले। थोड़ा सा कैलाश कुमार और शेखर महादेव का थोड़ा सा जानकारी दीजिए ना। हाँ जी बताइए प्रभु जी, क्या जानकारी चाहिए? कैलाश किन्ने कैलाश जी की और शेखर महादेव की ना? दोनों हो सकती है साथ में। हाँ हो सकती है। तो हमने तो 12 तारीख का टिकट निकाला है जुलाई में, तो इस साल इस बार वही असर सारी यात्राएं कोरोना पे निर्भर करती हैं, चाहे वो अमरनाथ जी हो, चाहे श्रीखंड हो, चाहे किन्ने कैलाश जी हो। अभी क्या करें इसको, इसके लिए ये किया भगवान से प्रेयर करें कि परमात्मा सब कुछ ठीक करें जल्दी जल्दी ताकि सारी यात्राएं हो पाए। हाँ बराबर। चंडीगढ़ से डायरेक्ट रामपुर के लिए गाड़ी मिलती है क्या? मिलती है डायरेक्ट रामपुर के लिए। हाँ जी हाँ जी, पूरा एक दिन में हो जाता है सफर? हाँ हाँ आराम से चंडीगढ़ से आराम से पहुँच जाओगे आप। तो कालका से ट्रेन अच्छा रहेगा कि ये रहेगा अपना चंडीगढ़ से? ठीक है, अगर आपको बस का सफर कम करना है तो ट्रेन से आ जाए कालका तक, और कालका से आगे फिर बसें मिल जाती हैं या टैक्सियां मिल जाती हैं। क्योंकि अपने इधर से बम्बई से है हम लोग, मुझे यहाँ से डायरेक्ट में वो गाड़ी है ही नहीं है। वही ऑप्शन अच्छा, आप फिर कालका ही आ जाए या चंडीगढ़ आ जाए ट्रेन से, और चंडीगढ़ से गाड़ी मिल जाएंगी आपको। अच्छा, तो अभी अपना खर्चा कितना आ सकता है अपने को तो दोनों यात्रा में? अच्छा मोटा मोटा जिस टाइम हम गए थे बात करें, किन्ने कैलाश जी का कम आया था, श्रीखंड जी का ज्यादा आया था। श्रीखंड जी की यात्रा थोड़ी लंबी है, हमें लग गए थे पहले दिन एक, पहली रात सोए थे हम वहाँ पे 30 माइल्स क्या बोलते हैं उसे, एक हो गया वहाँ सोए थे, दूसरी रात सोए थे पार्वती बाग में, तीसरी रात हाँ मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, किन्ने कैलाश जी में हमारा खर्चा आया था पोर्टर वोटर मिला के पर हेड 4,500-5,000 रुपए के आसपास। अच्छा हाँ, क्योंकि पोर्टर का खर्चा थोड़ा ज्यादा आया था, पर डे का 700-800 रुपए था पोर्टर। अच्छा। और श्रीखंड जी में आया था उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि नाइट से ज्यादा हुए थे। हाँ। पर हेड का 150 रुपए में खाना और सोना हो जाता है, तो रोज का 400-450 ये हो गया और पोर्टर का हो गया, तो इतना ही 6,000-7,000 रुपए आ जाता है आराम से। अगर और कम करना चाहो पोर्टर नहीं करोगे तो फिर तो 2,500-2,500 रुपए में यात्रा हो जाएगी। पोर्टर तो जरूर करना है, पोर्टर करना जरूरी है ना? हाँ, सामान उठाने की नहीं है क्षमता तो करना ही पड़ेगा, खुद उठा सकते हैं। रस्ते का भी जरा थोड़ा सा अपने को पोर्टर रहे तो आइडिया रहता है, बारिश कब हो रही है, रुक जाओ यहाँ रुक जाओ, फिर लोकल बंदे होते हैं थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो अभी यात्रा जुलाई मतलब साधारण जुलाई 15 से 16 से चालू हो जाती है? हाँ जी 15-16 से स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली। चलो अभी 12 तारीख का टिकट निकला, देखते हैं ऊपर वाला क्या ये करता है। बाकी सब तो ठीक है भगवान की मेरे को तो लगता है हो जाएगा, मई जून के आसपास हो जाएगा इसका। हाँ जी हाँ जी, अभी तो इधर का तो अमरनाथ का तो कुछ खाली रजिस्ट्रेशन बंद किया है, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन बहुत हो गए। मतलब अमरनाथ जी की यात्रा है ना? हाँ, उसके रजिस्ट्रेशन अभी थोड़ा सा कोविड की वजह से स्टॉप किया है। हाँ हाँ। लेकिन पहले जो हुआ था वो चालू है, हो गए मतलब यात्रा तो बंद नहीं रहेगी शायद। हाँ बंद तो नहीं रहेगी, लेकिन वो ये कोरोना ठीक होगा जब यात्रा हो पाएगी ना। हाँ जी बराबर। तो भी अपने को अभी एक और जानकारी मांगी थी, अपने को टेंट वगैरह ये उधर से मिल सकता है या उधर मिल सकता है? उधर मिल जाता है, श्रीखंड जी में जो जगह जगह पे टेंट लगे होते हैं, और किन्ने कैलाश जी में जो भंडारे वाली संस्था है वो आपको टेंट देती है, फिर बाद में उनका टेंट वापस कर दो तो कुछ अमाउंट जमा करती है हमसे, 5,000-5,000 रुपए पर टेंट का जमा किया था, जब यात्रा करके वापस आए तो उनका टेंट वापस कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इधर से लेने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। अच्छा ओके सर जी, धन्यवाद। और कुछ लेगा तो मैं आपको थोड़ा सा तकलीफ दूंगा। ठीक है प्रभु, बाकी मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे तो फिर जो भी रहेगा मैं आपको भेजता रहूंगा। हाँ आपको भेजा है, आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन भी भेजी है। ठीक है। हाँ तो मैंने भी आपको ये किया, लेकिन खाली आप जो खर्चे के लिए वीडियो भेजने वाले थे ना। हाँ वो बनाएंगे, अभी बनाऊंगा बाद में। हाँ चलेगा चलेगा, लेकिन ये यात्रा के बारे में अगर जानकारी मिली तो जरा। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।